नमस्कार, मैं अश्वानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल वेलिंगटन में पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। दो देशों के बीच ये T20 इंटरनेशनल मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून 2022 से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी जेल में ही रहना होगा। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने गुरुवार को जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अजीत मोहन के स्थान पर इस पद पर नियुक्त हुई हैं। बता दें कि अजीत मोहन ने इस महीने की शुरुआत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मालिक मेटा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पंजाबी फिल्मों की सुपरहिट अभिनेत्री दलजीत कौर का निधन हो गया। वह जगराओ के निकट स्थित गुरुसर सुधार में अपने भाई के घर पर थी। पति के निधन के बाद दलजीत कौर 12 वर्षों से भाई के घर पर ही रह रही थी और लंबे समय से बीमार थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों को हाल ही में रिहा कर दिया था। अब अन्य कैदी भी सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिहाई की मांग करने लगे हैं। अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में सजा काट रहे स्वयंभू संत श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट से खुद को रिहा करने की मांग की है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे श्रद्धानंद ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की तरह जेल से रिहा होने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। भारत ऐसा देश है जहां विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक लोगों की जान जाती है। वर्ष 2020 को छोड़ दे तो यह आंकड़ा हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इस हादसों में युवा अधिक शिकार बन रहे हैं। एक्सीडेंट में मारे गए व्यक्ति के परिवार के लिए यह भारी मानसिक आघात के साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। घायलों के लिए भी सामान्य जीवन में वापसी कर पाना आसान नहीं होता। चीन को रोकने के लिए भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब अपने सैनिकों की तैनाती की है। उस इलाके में काफी ठंड पड़ती है, इसके मद्देनजर बड़ी संख्या में तैनात सेना के जवानों को पीने के लिए पानी सहज ही मुहैया हो सके, इसके लिए वहां अनेकों तालाब के निर्माण का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट गौतम नवलखा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। नवलखा कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक जेल से घर में नजरबंदी के लिए नहीं भेजा गया है। कोर्ट ने कहा कि एल्गार परिषद माओवादी संपर्क मामले में गौतम नवलखा की अर्जी के साथ शुक्रवार को NIA की याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। भारत सरकार का कहना है कि भारत बायोटेक की कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन को किसी राजनीतिक दवा के कारण मंजूरी मिलने की खबरें गलत हैं। आपातकालीन उपयोग के लिए COVID-19 टीके कोवैक्सीन को मंजूरी देने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निर्धारित मानदंडों का पालन किया गया है। ट्रैक पर अचानक मवेशी के आ जाने पर ट्रेन कम से कम 15 मिनट तक रुकती है और इस दौरान डीजल पेट्रोल का खर्च बढ़ जाता है। इसी नुकसान से बचने के लिए भारतीय रेलवे काम कर रही है। बता दें कि इस साल अब तक ट्रैक पर पशुओं के आने से 4000 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। केवल अक्टूबर की बात करें तो केवल 9 दिनों में मवेशियों ने 200 ट्रेनों के आवागमन को प्रभावित किया था। शिक्षा पर स्वास्थ्य का प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारक है जो स्वास्थ्य सेवा व्यय और आर्थिक प्रदर्शन में भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य तथा शिक्षा है और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना विकास के व्यापक चक्र के लिए प्रेरक हो सकता है। एक सोच यह भी है कि अधिक अस्पताल बनाने, अधिक डॉक्टर को तैयार करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आर्टेमिस 1 ओरियन कैप्सूल का लॉन्च होकर अपने तय रास्ते की तरफ बढ़ना भविष्य की नई उम्मीदों को बल दे रहा है। शुरुआत में नासा के इस मिशन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही थी। नासा के लिए इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करना बेहद जरूरी हो गया था। इसको चीन समेत दूसरे देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम से उसकी प्रतियोगिता के रूप में भी देखा जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसान आंदोलन के अगले चरण पर फैसला करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक 8 दिसंबर को करनाल में होगी। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की लंबित मांगों पर केंद्र के आश्वासन पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए 26 नवंबर को पूरे देश में राजभवनों तक मार्च निकालने का भी ऐलान किया गया। वहीं गुरुवार यानी आज कहा कि 19 नवंबर को फतह दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कर्नाटक में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में अब इससे लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर मतदाताओं के डाटा की चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की गुरुवार यानी आज एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर अचानक तबीयत बिगड़ गई। नितिन गडकरी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अचानक गिरने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल से डॉक्टरों की एक टीम कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और केंद्रीय मंत्री को प्राथमिक उपचार दिया गया।
भारत दुनिया में अपनी धाक जमाने में कामयाब हो रहा है। इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों के सम्मेलन में G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की अगुवाई देश करने जा रहा है। इसके साथ ही साफ हो गया है कि दुनिया भारत की आवाज केवल सुनती ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करती है। इसका सबूत है G20 नेताओं के बुधवार को यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को स्वीकार करना। पुलिस ने इसी साल जून के महीने में दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुरी इलाके में मिले इंसानी लाश के टुकड़ों को DNA जांच के लिए भेजा है। पुलिस को लाश का सिर, हाथ और पैर का हिस्सा मिला था। यह घटना श्रद्धा की मौत के बाद की बताई जा रही है। जून के महीने में लाश के ये टुकड़े एक हफ्ते के भीतर 3 बार एक प्लॉट में फेंके गए थे। उस केस में अभी तक यह नहीं पता चला है कि वो लाश किसकी थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मंदिर के आकार में जन्मदिन का केक पर सियासत गरमा गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निशाने के आने के बाद अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जुबानी हमला बोल दिया है। गृह मंत्री ने कमलनाथ और राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बताया है। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं इन लोगों को मंदिर याद आ जाता है, ये लोग चुनावी हिंदू हैं। देश में पिछले दिनों हेट स्पीच के मामलों में काफी तेजी देखी गई है। कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच पर फटकार लगाई है। वहीं अब हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि 2014 के बाद से नेताओं और सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के मामलों में लगभग 500% की वृद्धि हुई है। आज के दिन 17 नवंबर 1966 को एक भारतीय महिला पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ स्विम सूट पहन रैंप पर चलती नजर आई। बोल्ड जवाब और फैशनेबल अंदाज से उन्होंने न सिर्फ दुनिया भर में भारतीय खूबसूरती का परचम लहराया बल्कि भारतीय फैशन इंडस्ट्री और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल भी बन गई। वह महिला थी डॉक्टर रीता फारिया। रीता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया की भी पहली मिस वर्ल्ड हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी ने एक चार्जशीट जारी की है। इस चार्जशीट में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी इस चार्जशीट को दिल्ली नगर निगम के पूर्ण चुनाव में लोगों को देगी। इसके लिए बकायदा पार्टी ने 5 लोगों की कमेटी बनाई थी। बीजेपी का कहना है कि ये सब कुछ तथ्यों के आधार पर है, ये सब RTI की जानकारी के आधार पर बनाई गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार यानी आज अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम सोरेन ने कहा कि आज मुझे ईडी के दफ्तर में जाना है। जैसे कि मुझे समन दिया गया है, मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी केस की पोषणीयता बरकरार रखते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है क्योंकि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष ने कहा है कि फैसला हमारे हक में है, यह हमारी जीत है। आर्यन खान ने करण जौहर के साथ काम करने से इनकार कर दिया है, लेकिन एक और खान है जिनके बेटे ने हामी भर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान जल्द धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म के साथ बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए प्रावधान की घोषणा करते हुए कहा है कि रेलवे के लेवल 7 में सुपरवाइजरी कैडर के वेतनमान में ठहराव था और उनकी पदोन्नति की गुंजाइश 9 के बराबर थी। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 16 वर्ष से सुपरवाइजर कैडर के वेतनमान में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि 8 साल से देश में डर का माहौल है, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। सरकार का ध्यान युवाओं और किसानों की समस्या पर नहीं है, वह सिर्फ अपने हित के लिए आम लोगों को आपस में लड़ा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। झारखंड के तापमान में जहां गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं ठंडक के सीजन में दिसंबर से फरवरी तक 14 कोल्ड डे और 42 दिन कोहरा पड़ने की आशंका बिहार में है। उत्तर भारत के कई राज्यों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में मंदिर में चोरी के शक में भीड़ ने एक परिवार पर हमला कर दिया। ऑटो में जा रहे इस परिवार पर हुए हमले में घायल 10 साल की एक लड़की कड़प गांबिका की मौत हो गई है। घटना 14 नवंबर की है। इसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में तेलुगु देशम पार्टी के नेता पोलनाती शेषगिरी राव पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमलावर साधु बनकर भीख मांगने आया था। हमले में राव गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली के महरौली में श्रद्धा वालकर की हत्या मामले में आरोपित आफताब को साकेत कोर्ट ने 5 दिन की दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। आरोपित की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई। आरोपित की 5 दिन की रिमांड बृहस्पतिवार को खत्म हो गई। 5 दिन की रिमांड गुरुवार को खत्म हो गई।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद नौशाद रजा, ओमकार सिंह, अमृता कुमारी, मुटू रंगीला, रंजीत कुमार झा, जितेंद्र ठाकुर और नुन्नू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है भारतीय टीम हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कैसा प्रदर्शन करेगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।